आजादी का जश्न। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे जालौन मेट्रो से। आज जानिए जालौन की तीन पीढ़ियों का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। आजादी के अमृत महोत्सव में आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जनपद जालौन की एक ऐसी तीन पीढ़ियों से जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में एक साथ भाग लिया था। हम बात कर रहे हैं जनपद जालौन के कोंच नगर क्षेत्र में रहने वाले रामदीन पहाड़िया, उनके बेटे पन्नालाल पहाड़िया और उनके नाती जयदेव पहाड़िया के बारे में, जिन्होंने सन 1930 में स्वतंत्रता आंदोलन में एक साथ शामिल होकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नमक आंदोलन चलाया था और लोगों को जागरूक किया था कि अंग्रेजी हुकूमत का नमक किसी भी हालत में नहीं खाना है। इसके लिए उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को इस आंदोलन में शामिल किया। इस बात की भनक जब अंग्रेजी हुकूमत के हुक्मरानों को लगी तो उन्होंने अपनी सेना भेजकर घेराबंदी कर तीनों को पकड़कर हवालात में डाल दिया था। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो भारत सरकार ने इन तीनों को एक साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित किया और राजकीय सम्मान से सम्मानित किया। लेकिन रामदीन पहाड़िया ने सरकार को कहा कि वह आपके सम्मान को स्वीकार तो करते हैं लेकिन इससे मिलने वाली पेंशन और अन्य सुविधाएं नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने देश की आजादी के लिए निस्वार्थ भाव से अपना काम किया है। इस संबंध में इतिहासकार डॉक्टर जगदीश प्रसाद गुप्त बताते हैं कि उनके द्वारा दिए गए योगदान को जनपद जालौन जिले में गौरवशाली इतिहास दिखाई देता है और ये सम्मान की बात है जनपद जालौन वासियों और देशवासियों के लिए। जालौन मेट्रो कंसल्टिंग एडिटर देवेश स्वर्णकार के साथ। नमस्कार, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि स्वतंत्रता आंदोलन में यानी आजादी के अमृत महोत्सव में हम आपको 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर एक नए किरदार से रूबरू कराएंगे। आज 12 अगस्त और आज हम आपको एक ऐसी पीढ़ी से रूबरू कराने जा रहे हैं जो शायद एक देश के इतिहास में पहली पीढ़ी हो। जी हाँ, स्वतंत्रता संग्राम के इस महान यज्ञ में कोंच नगर क्षेत्र के रहने वाले तीन पीढ़ी यानी कि बाबा, बेटा और नाती, यानी कि रामदीन अहिरवार, पन्नालाल अहिरवार और जयदेव है, बाबा, बेटा और नाती, इन तीनों ने मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, एक अमिट और स्वर्णिम छाप छोड़ी है। आज हम आपको उस तीन पीढ़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद है कि देश के इतिहास में पहली ऐसी पीढ़ी होगी जो तीनों एक पीढ़ियों ने एक साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया हो या अपना सब कुछ दिया हो। कोंच नगर क्षेत्र के सुभाष नगर यानी चंदकुआ के पास रहने वाले रामदीन पहाड़िया और ब्रह्मादीन पहाड़िया, उनके बेटे थे पन्नालाल पहाड़िया और पन्नालाल के बेटे जयदेव पहाड़िया, यानी तीन पीढ़ियों ने एक साथ 1930 में नमक आंदोलन चला और नमक आंदोलन चला के उन्होंने बुंदेलखंड के जनपद जालौन के आसपास के गांवों के लोगों को जागरूक किया और कहा कि अंग्रेजों का नमक नहीं खाना है, स्वदेशी नमक खाना है, क्योंकि अंग्रेजों का नमक अगर आप खाएंगे तो नमक की आपको वजह नहीं पड़ेगी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इस तरीके का जो है विद्रोह अपने आप में एक जो है अभूतपूर्व था, अविश्वसनीय था, अकल्पनीय था, क्योंकि नमक आंदोलन, अंग्रेजों को भी ये बात जानकारी हो गई थी कि बुंदेले जिसका नमक खाते उसकी बजाते जरूर है। जब उन्हें ये जानकारी हुई कि अंग्रेजी हुकूमत का नमक का ये बहिष्कार हो रहा है और यहाँ से एक अलग स्वतंत्रता आंदोलन की अलग जगाई जा रही है तो ये कहीं ना कहीं अंग्रेजी हुकूमत के लिए घातक थी। इसको लेकर अंग्रेजी हुकूमत ने घेराबंदी की और एक दिन यानी 24 अप्रैल 1930 को कोंच नगर क्षेत्र के रामलला मंदिर के पीछे सभा कर रहे थे ये तीनों के तीन पीढ़ी, यानी कि रामदीन जी, पन्नालाल जी और जयदेव जी। आसपास सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठे थे, उन लोगों को समझा रहे थे, लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने के लिए अलग जगह रहे थे। तो घेराबंदी कर इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और बाद में 1947 में जब देश आजाद हुआ तो सरकार ने इन तीनों को एक साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिया, जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अपने आप में एक अमिट चीज़ है कि किसी भी तीन पीढ़ी को एक साथ जो है दर्जा दिया गया हो, शायद देश की ये पहली पीढ़ी थी। इसके बाद जब सरकार ने इनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिया तो रामदीन पहाड़िया यानी कि ब्रह्मादीन पहाड़िया भी जिनको कहा जाता था, उन्होंने सरकार को कहा कि हम आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पद यानी कि आपने जो हमें नवाजा है जिस विभूति से ताम्रपत्र तो ले लेते हैं लेकिन इसके अंतर्गत आने वाली पेंशन और अन्य जो लाभ हैं या सुविधाएं हैं वो हम और हमारी तीनों पीढ़ियां इसको स्वीकार नहीं करती हैं। सरकार भी सकते में आगे खड़े, ऐसा क्यों? तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि हमने देश की स्वतंत्रता के लिए, अब देशभक्ति के लिए ये अलग जगाई थी, स्वतंत्रता आंदोलन में अपना निस्वार्थ अपना सब कुछ दिया था, स्वार्थ के लिए नहीं, लाभ के लिए नहीं, लिहाजा हम ये जो है
आपकी पेंशन और सारी सुविधाएं लेने से हम इनकार करते हैं। इस संबंध में हमने एक इतिहासकार डॉक्टर गुप्त जी से बात की, तो उनका भी कहना यह था कि उनके नगर में या जनपद जालौन के लिए, बुंदेलखंड के लिए, देश के लिए ये बड़ी गौरव की बात है, यूनिक है कि एक ही पीढ़ी, मतलब एक ही तरीके तीन पीढ़ियां एक साथ इस आंदोलन से जुड़ी हों और इस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सब कुछ पिछावर किया हो। हम भी अपने चैनल के माध्यम से सलाम करते हैं ऐसी विभूतियों को, उनके द्वारा किए गए महान कार्यों। ये तो बड़ा यूनिक फीचर होगा हमारे इतिहास में, सन 1930 के नमक आंदोलन में अंग्रेजी नमक का बहिष्कार करके अपना नमक बनाने का जो आंदोलन हुआ था उसमें रामलीन जी पहाड़िया, पन्नालाल जी पहाड़िया, जयदेव जी पहाड़िया ने एक अलग जगाई और उस नमक का बहिष्कार करके स्वदेशी नमक में 30 अप्रैल को ये आंदोलन में इन्होंने अपनी एक ही प्लेटफॉर्म से मावा से लेकर नाटी तक गिरफ्तारी भी दी। एक स्पेसिफिक और मैं आपको थोड़ा सा और क्वेश्चन ज्ञान आपके रूप में डाल दूँ कि इन लोगों ने पेंशन लेना भी बंद कर दिया। इन्होंने कहा कि ये तो एक मिशनरी वर्ग है, राष्ट्रीय वो है, इसमें पेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उन्होंने पेंशन स्वीकार नहीं किया। ताम्रपत्र तो लिया है लेकिन धनराशि नहीं। हमारे पितामह ब्रह्मानंद जी और हमारे चचेरे बाबा श्री पन्नालाल जी एवं चाचा जयदेव जी, तीनों जनों ने एक साथ देश की यात्रा की। नमक आंदोलन सन 1930-32 में रामलला महाराज मंदिर के पास सभा कर रहे थे, तो अंग्रेजी सेना ने उनको चारों तरफ से घेर कर और तीनों लोगों को गिरफ्त में ले लिया और जेल में डाल दिया। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो तीनों को रिहा करके और सरकार ने उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित किया। इस बात का हमें अपने पूर्वजों पर बहुत गर्व है। दिया गया प्रस्ताव हमारे पितामह स्वामी ब्रह्मानंद ने पेंशन लेने से इनकार कर दिया और चचेरे बाबा ने भी पेंशन लेने से इनकार कर दिया। उनका कथन था मैंने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना योगदान दिया, ना कि हमें स्वतंत्रता आंदोलन में। कल फिर एक नई कहानी लेकर हाजिर होंगे। नमस्कार।